हाँ जी नमस्कार दोस्तों, आप इस एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। 15 अगस्त की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त के दिन हम लोग जाने वाले हैं बांद्रा बैंड स्टैंड पर हम लोग जाने वाले हैं वहाँ। तो गाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ब्लॉग। अभी हम पहुँचने वाले हैं, फिर उसके बाद ब्लॉग शुरू किए हैं। उम्मीद है ब्लॉग आप लोगों को काफ़ी मस्त और यूनिक लगेगा। और अभी पब्लिक प्लेस में हमारे साथ में है राहुल, सत्यम और आशुतोष भाई। तो सभी लोग टहलने के लिए आज निकले हुए हैं। मौसम एक नंबर का है, अभी बादल छाए हुए हैं। बस यहाँ से आधे किलोमीटर और बचे हैं हम लोगों को पहुँचने के लिए। तो भाई मज़ा आने वाला है, वीडियो अंत तक देखना। और फिर से आप लोगों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएँ। ऐसे ही हमारा भारत आगे बढ़ता रहे और आप लोग ऐसे ही प्रोग्रेस करें, साथ में हमें भी सपोर्ट करें। चलिए चलते हैं आगे, आप लोगों को लोकेशन और सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो गाइज ये है बांद्रा का रोड, बांद्रा रोड है। अभी यहाँ अभी टाइम हो रहे हैं 3 का और मौसम एक नंबर का है ट्रेवल करने लायक पैदल या किसी गाड़ी से। अब इसके बाद तो गाइज देख रहे हैं यहाँ पर ट्रैफिक और कुछ इस तरह से गाड़ियाँ लगातार चलती रहती हैं यहाँ पर। और भाई ये ऊँची ऊँची बिल्डिंग है, बांद्रा साइड का है। आगे चलते हैं और सारी चीज़ें दिखाते हैं आप लोगों को। अभी बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, हम लोग यहाँ से पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर में। दे भाई रही लोग जा रहे हैं यहाँ से, देख रहे हो। अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ से, पहले रोड पार करते हैं। तो भाई पहले रोड क्रॉस करें और ये है बांद्रा। तो भाई अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं बांद्रा। बस यहाँ से 500 मीटर और दूर है, बाकी यार मज़े खूब आ रहे हैं। और मैं फर्स्ट टाइम विजिट किया हूँ मुंबई, तो भाई आप लोगों को पता है कि हमारा दूसरा वीडियो है मुंबई का। तो ऐसा ही कुछ मस्त लोकेशन है, व्यू है सबसे मस्त। ये चीज़ें इतना प्यारा प्यारा ठंडा हवा चलता है ना, दिल को बहुत सुकून मिलता है। अभी आगे चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं सारी चीज़ें। आज समुद्र किनारे फर्स्ट टाइम मैं विजिट करने वाला हूँ और आप लोगों को भी दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। सामने देख रहे हो, ये सारा समुद्र किनारा है। ओ भाई क्या प्यारा प्यारा दृश्य है यहाँ। तो भाई पहुँच चुके हैं अपने मस्त लोकेशन पर, पीछे बिल्डिंग, सामने समुद्र का नज़ारा और साथ में प्यारा प्यारा हवा। तो इससे ज़्यादा और खुशी क्या चाहिए 15 अगस्त के दिन। इससे पिछले वाले 2022 में हम थे दिल्ली में, जो कि आप लोग ब्लॉग शायद देखे होंगे। तो आज लग बाई चांस हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं मुंबई में। तो मुंबई में हमने सोचा कि आज के दिन कहीं ना कहीं टहलने के लिए जाए, और अटेंडा में हमारा ब्लॉग बनाने का मन कर दिया और हम साथ में वहाँ से प्लान बना करके निकल दिए रूम से। और भाई लोकेशन देख रहे हैं यहाँ का, ये चारों साइड में देख रहे हैं सारा समुद्र नज़र आ रहा है, बढ़िया है। एक बार यहाँ की खूबसूरती देखो कैसा दिखाई दे रहा है, पर ठंडा ठंडा हवा की वजह से ना बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। आप लोगों को सामने दिखाते हैं यहाँ का दृश्य, बिल्डिंग का एक बार नज़ारा देखो भाई। हम लोग कहाँ गांव से कहाँ इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग मुंबई में देखने को मिल रहा है। लेकिन लोकेशन देख रहे हो कितना प्यारा नज़र आ रहा है। बार बार वीडियो मेरा बनाने का सिर्फ समुद्र का मन कर रहा है। और इधर देख रहे हो राहुल, सत्यम, आशुतोष भाई, सभी लोग टहल रहे हैं। तो राहुल कैसे लग रहा है, मज़ा आ रहा है ना? क्या मज़ा, तेज से बोलो ना। अरे फुल भौकाल है मारा। भाई अब मन्नत का आपका नज़ारा दिखाने वाले हैं। यहीं से 100 मीटर की दूरी पर है शाहरुख खान या सार के। पदर चलने के बाद यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, बट देखते हैं अगर मिल गया मौका तो फोटो खिंचवाएंगे और साथ में आप लोगों को दिखाएंगे भी। सॉरी ओके यार, ब्लॉग बनाने के चक्कर में इधर भीड़ भी जा रहे हैं लोगों से। एक बार देखो यहाँ का नज़ारा, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा भाई देखने को आप लोगों को मिलेगा। इतना भीड़ सिर्फ इसलिए लगा है क्योंकि ये शाहरुख खान का घर है भाई, आप समझ सकते हो। अभी वहाँ सामने रोड पे नहीं जाने दे रहे हैं, तो हम
यहीं से आप लोगों को शूट करके दिखा रहे हैं। अभी देखते हैं यहाँ का क्या माहौल है, अभी हैं या नहीं है, दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे, वो सारी चीज़ें आप लोगों को हम दिखाएंगे। बाकी अभी तो यहाँ पर पहले टहले घूमें, फिर उसके बाद आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ से यार कुछ ही दूर पे है, अभी पहुँचे फिर आप लोगों को दिखाते हैं। मुझे क्लियर नहीं है कौन सा बिल्डिंग है, बट अभी भीड़ देख रहे हो यहाँ पे कितना ज़्यादा हो गया है। बस इधर भीड़ देख रहे हो कितना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, बस शाहरुख खान को देखने के लिए इधर देख रहे हैं। सामने पूरा मस्त व्यू है, हवा चल रहा है प्यारा प्यारा। भाई इंतज़ार करते ही करते मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है यहाँ पे, बट क्या करें, आप लोगों को भी दिखाना है, फर्स्ट टाइम अगर हम आए हैं तो देखकर ही जाने का मन कर रहा है। बट अभी काफ़ी टाइम हो गया, मैं एक घंटे से यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, तो देखते हैं जैसा भी होगा। और भीड़ की तादाद देख रहे हैं पीछे साइड में और सारे साइड में, बस इंतज़ार कर रहे हैं कब देखने को मौका मिलेगा। भीड़ देखो, बस देखने के लिए सभी आए हैं यहाँ पे, सारे लोग बस यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। भाई यहाँ लोकेशन भी एक नंबर का है ना, बात ये है, इसीलिए सभी लोग देखने के लिए भी आए हैं साथ में। आज हो सकता है, अभी तो क्लियर हमें नहीं लग रहा है कि आए ही जाएंगे भाई, चार बजे के लिए एक बार क्राउड देख रहे हो और शायद आने वाले हैं, इसके चक्कर में देख रहे हो कितने तेज तेज से सभी लोग भाग के जा रहे हैं। मैं तो यहीं से वीडियो आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूँगा। ओ भाई देख रहे हो, पुलिस की जो व्यवस्था थी इधर शर्मा गई है, इतनी तेज तेज से सभी लोग भाग के जा रहे हैं और शायद आ चुके हैं। अभी आप लोगों को यहीं से दिखाते हैं। सभी लोगों को ये देख रहे हो सभी लोगों को, शोर इतनी तेज मचा रहे हैं जैसे लग रहा है आने वाले हैं। हम भी इंतज़ार करने वाले हैं, अगर आ गए तो बहुत अच्छी बात है, और सामने देखना बस। क्राउड देख रहे हो कितना ज़्यादा शोर मच रहा है। तो भाई अभी तो बैठ के वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, सोच रहे हैं अब आएँ, बट अभी तक तो आए नहीं हैं, इसलिए वहाँ से आकर के हम समुद्र किनारे ऐसे बैठे हुए हैं। अभी इंतज़ार करते हैं, अगर हो सकता आ जाएँ तो, 4 बजे टाइम शायद था, 4 बज चुका है, अभी तक आए नहीं हैं, तो अब इंतज़ार करने का मेरा टाइम ओवर हो चुका है, मैं थक गया देखते देखते। एक बार सामने का नज़ारा देखो, तो भाई बैठ के यहीं पर इंतज़ार कर रहे हैं। बहरहाल शाहरुख खान तो नहीं आए, ये देख रहे हो भीड़ बस में बैठने के लिए। क्या बोलूं यार, हर जगह तो भीड़ है। यहाँ देखने के लिए ना एक दूसरे के ऊपर गिरना पड़ जा रहा है, इसलिए हम यहाँ से निकलते हैं। अब यहाँ से टैक्सी पकड़ के सीधा निकलते हैं बांद्रा स्टेशन पे। और भाई मन्नत तो मैं देख चुका हूँ, बट इधर अभी भी भीड़ देख रहे हो कितना ज़्यादा है। अभी भाई ये कौन सा रास्ता है, जाते जाते एक बार भी दिखा दे रहे हैं, ये ऐसा ही सामने घर है मन्नत, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। और अभी भी इंतज़ार में कुछ लोग खड़े हैं, हम तो निकल रहे हैं यहाँ से। भाई यहाँ पे जो लोग बदतमीजी करते हैं या कुछ ऐसा प्रॉब्लम करते हैं ना, उन लोगों के लिए बैन बना हुआ है, सीधा बैन में जाते हैं। और ये देख रहे हैं अभी भी इंतज़ार है यार, मैं क्या बोलूँ, अभी तो मुझे यहाँ से निकलना है। अरे इधर हम लोग, शाम टाइम मार्केट का नज़ारा देखो एक बार, विरार का कुछ ऐसा लोकेशन दिखाई देता है स्टेशन से, ये देख रहे हो दो महाशय को परेशान कर दिए हैं मुझे साथ में टहला टहला करके। ये सामने जो देख रहे हैं पहाड़, वो जीवदानी माता का मंदिर है, जो कि अगले हफ्ते हम जाने वाले हैं वहाँ पे,
आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ से थोड़ा जूम नहीं हो पा रहा है और अच्छा कुछ सिटी है यहाँ का। तो गाइज आज हम विजिट किए थे बांद्रा बैंड स्टैंड, जहाँ पर मन्नत है शाहरुख खान का घर। तो आप लोगों को आई होप यह ब्लॉग पसंद आया होगा। हम अटेंडा में ऐसे प्लान किए थे इसलिए ब्लॉग ज़्यादा प्रॉपर शूट नहीं किए हैं, बट यहाँ सब इसके बाद हम रूम पर निकलने वाले हैं। आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय, थैंक यू सो मच। अरे भाई रुको, मेरे चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर दिया करो यार, इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक करना, और चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।